शुभमन गिल के तूफान में उड़ी धोनी की चेन्नई। रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को धोया। ऋतुराज की पारी गई बेकार। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे सब कुछ आज के इस बेहद ही खास वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आईपीएल से जुड़ी और ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कल यानी 31 मार्च को आईपीएल 2023 का पहला हाई वोल्टेज मुकाबला चार बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां पर गुजरात टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जो गुजरात के खेमे में सही साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी का नेता मिलने पर बल्लेबाजी करने आई चेन्नई टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। चेन्नई टीम के पावर प्ले तक दो विकेट गिर चुके थे, लेकिन एक छोर पर खड़े युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ रनों की बारिश कर रहे थे। आपको बता दें कि ऋतुराज ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों में 92 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। हालांकि वे शतक से 8 रन दूर रह गए और अलजरी जोसेफ का शिकार बन गए। ऋतुराज ने अपने इस बेहतरीन पारी में 4 चौके और बेहतरीन 9 छक्के जड़े। इसके अलावा अंतिम के ओवरों में महेंद्र सिंह धोनी ने बेहतरीन बल्लेबाजी किए और 7 गेंदों में 14 रन ठोके, जिसके बदौलत चेन्नई की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 178 रन बना पाई और गुजरात टाइटंस को 179 रनों का लक्ष्य दिया। गुजरात की ओर से मोहम्मद समी, राशिद खान और अलजरी जोसेफ ने शानदार 2-2 विकेट झटके। जवाब में 179 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही। हालांकि रिद्धिमान शाह 25 के विकेट गिरने के बाद गुजरात की टीम थोड़ी संघर्ष करती हुई नजर आई, लेकिन एक छोर पर खड़े शुभमन गिल ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया और गुजरात को जीत के बेहद ही करीब ले आए। गिल अपने अर्धशतक के पारी में 36 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 63 रनों की शानदार पारी खेली। गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए राशिद खान और राहुल तेवतिया ने बेहतरीन बल्लेबाजी किए और 182 रन बनाकर गुजरात को 5 विकेटों से पहली जीत दिलाकर टाटा आईपीएल 2023 में शानदार आगाज करवाया। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से राजवर्धन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी और ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।